हेलो एवरीवन आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के बीएसओसी 132 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं तो फ्रेंड्स इस सब्जेक्ट का नाम है आप लोगों का सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया ये सब्जेक्ट बी प्रोग्राम वाले स्टूडेंट के पास होता है और आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके इसी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं तो फ्रेंड्स अगर आप लोग अपने इस सब्जेक्ट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप करे चलिए स्टार्ट करते हैं ठीक है तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन पे यहाँ पे दे रखा है एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज तो फ्रेंड्स इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोगों का चैप्टर सिक्स के अंदर मिल जाएगा यहाँ पे मैंने क्वेश्चन के नीचे चैप्टर नंबर भी मैंशन कर रखे हैं जिसकी हेल्प से आप लोग अपने क्वेश्चन के आंसर्स को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकंड पे यहाँ पे दे रखा है आप लोगों को व्हाट आर द बॉन्ड्स ऑफ यूनिटी इन इंडिया हाउ डिड नेशनलिस्ट रेस्पॉन्ड टू रिलीजियस डाइवर्सिटी एंड ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का चैप्टर वन से लिया गया है और इसका आंसर आप लोग वहाँ से देख सकते हैं एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री पे यहाँ पे दे रखा है डिस्कस हाउ सोशल रिफॉर्म्स एंड क्वालिटीज वर रिलेटेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड व्हाट इज द स्टेटस ऑफ जेंडर इश्यूज इन इंडिया तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप लोगों का चैप्टर सेकंड से लिया गया है और इसका आंसर आप लोग चैप्टर सेकंड से देख सकते हैं एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर पर यहाँ पे दे रखा है वॉट एविडेंस वुड यू ऑफर अगेंस्ट व्यू That टाइप्स आर primitive communities लिविंग स्टेटेड लिवस अन टस्ट बाई सिविलाइजेशन तो इसका क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आप लोगों को चैप्टर थ्री के अंदर आप लोग वहाँ से इसे फाइंड आउट कर लीजिएगा अगला क्वेश्चन है फिर आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे यहाँ पे दे रखा है आप लोगों को राइट शॉर्ट नोट ऑन तो फ्रेंड्स इन टॉपिक्स के ऊपर आप लोगों को शॉट नोट लिखना है तो सबसे पहला टॉपिक है आप लोगों का यहाँ पे नेशनल डेवलपमेंट वर्सेज ट्राइवल डेवलपमेंट एंड सेकेंड नंबर पर है आप लोगों का यहाँ पे ट्राइप्स एज कम्यूनिटी थर्ड नंबर पे है आप लोगों का यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइब्स फोर्थ नंबर पे है आप लोगों का हिंदुआइजेशन ऑफ ट्राइब्स इन सभी क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोगों को चैप्टर थ्री के अंदर मिल जाएगा तो फ्रेंड्स आप लोग इनका आंसर वहाँ से देख सकते हैं एंड फिर अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स पे यहाँ पे दिया गया है राइट शॉर्ट नोट ऑन पहला टॉपिक है आप लोगों का हिस्टोरिकल एडवांटेजेस द कास्ट सिस्टम एंड सेकंड नंबर पे है आप लोगों का यहाँ पे फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम एंड थर्ड नंबर पे है कास्ट सिस्टम थ्रू एजेस एंड फोर्थ नंबर पे है आप लोगों का कलोनियलिज्म एंड कास्ट इन सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिलेगा चैप्टर फोर के अंदर एंड फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन पे यहाँ पे दिया गया है आप लोगों को वट चेंजेस डिड कॉलोनियलिज्म ब्रिंग अबाउट इन द कास्ट सिस्टम तो इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर आप लोगों को चैप्टर फोर के अंदर मिलेगा ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेबल क्वेश्चन हैं तो फ्रेंड्स आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा और आप लोग इनका स्क्रीन लेते हुए चलिए या फिर फ्रेंड्स अगर आप लोगों को इन क्वेश्चन का पीडीएफ लिंक चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा मैं आप लोगों को इन सभी क्वेश्चन का डी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी फ्रेंड्स आप लोग इन सभी क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट कर अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं फिर अगला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एट और क्वेश्चन नंबर एट पे यहाँ पे दिया गया है राइट शॉर्ट नोट ऑन मार्क्स पर्सपेक्टिव ऑन सोशल क्लासेस डिफाइन नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल क्लास ये क्वेश्चन लिया गया है आप लोगों का चैप्टर फिफ्थ से और इसका आंसर आप लोग चैप्टर फिफ्थ से देख सकते हैं ठीक है एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन पे यहाँ पे दिया गया है कंपेयर एंड कंट्रास्ट वेवर एंड मार्क्स कंसेप्ट ऑफ क्लास कैन देयर बी बर सोसाइटी विदाउट क्लासेस तो इसका आंसर मिलेगा आप लोगों को चैप्टर फिफ्थ के अंदर आप लोग इस वाले क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा ये भी काफी ज्यादा रिपीटेबल क्वेश्चन है आप लोगों का ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन पे यहाँ पे दिया गया है आप लोगों को इज इट राइट टू से दैट मैरिज इज द फाउंडेशन ऑफ द सोसाइटी एक्सप्लेन इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिलेगा चैप्टर सिक्स के अंदर एंड फिर अगला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन

सबसे पहला टॉपिक है आप लोगों का यहाँ पे रिलेशन बिटवीन रिलीजन एंड सोसाइटी एंड सेकंड नंबर पे है आप लोगों का यहाँ पे मार्क्स ऑन रिलीजन तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं चैप्टर सेवन से एंड फिर अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्वेश्चन नंबर थर्टीन पे यहाँ पे क्वेश्चन है इन वट वे फेद इज सेंट्रल टू ऑल ह्यूमन बींगस ये क्वेश्चन भी आप लोगों का चैप्टर सेवन से लिया गया है एंड फिर अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोटीन क्वेश्चन नंबर फोटीन पे यहाँ पे दे रखा है एक्सप्लेन इन डिटेल द पोजिशन ऑफ दलित इन अदर साउथ एशिया कंट्रीज क्रिटिकली इवेलुएट द ग्रोथ आइडियोलॉजी एंड द सोशल बेस ऑफ बहुजन समाज पार्टी ये क्वेश्चन आप लोगों का लिया गया है चैप्टर एट से तो इसका आंसर आप लोगों को चैप्टर एट के अंदर मिल जाएगा एंड फिर अगला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन पे यहाँ पे दे रखा है राइट अर नोट ऑन द इशूज ऑफ वुमेन इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड वट इज़ द स्टेटस ऑफ मॉडर्न इंडियन वुमेन एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद दैम इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को चैप्टर नाइन के अंदर मिल जाएगा तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए या फिर अगर आप लोगों को इनका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं बाकी फ्रेंड्स अगर आप लोगों को किसी और सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए या फिर किसी और सब्जेक्ट के आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की वीडियो चाहिए तो आप लोग उसके लिए मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अपने सब्जेक्ट को यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा मीडियम के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साइड में एक आइकन होगा उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन बिल्कुल करेक्ट टाइम पे मिलती रहें और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो पाए तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन पे यहाँ पे दे रखा है आप लोगों को लिस्ट आउट सम ऑफ द मेन प्रोविजंस प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइब्स क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का जो आंसर मिलेगा वो आप लोगों को चैप्टर टेन के अंदर मिल जाएगा एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेवनटीन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन पे यहाँ पे दिया गया है वट आर द स्टेप्स नीडेड बाय द गवर्नमेंट टू चेक कम्युनलिज्म एंड इसका आंसर मिलेगा आप लोगों को चैप्टर एलेवन के अंदर यहाँ पे मैंने चैप्टर नंबर मेंशन कर रखे हैं ताकि आप लोगों को इजीली इनके आंसर मिल जाए और आप लोग अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर पाएँ एंड फिर अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एटीन क्वेश्चन नंबर एटीन पर आप लोगों को शॉर्ट नोट लिखने हैं इन टॉपिक्स के ऊपर तो यहाँ पर आप लोग इन टॉपिक्स को देख सकते हैं और इनका स्क्रीन ले लीजिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके आप लोगों के एग्ज़ाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं सबसे पहला है आप लोगों का यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्युलरिज़म एंड सेकंड नंबर पर है आप लोगों का सेकुलर स्टेट थर्ड नंबर पर है स्टेजेस ऑफ इंडियन एंड फोर्थ नंबर पर है कम्युनलिज्म फिफ्थ नंबर पे है आप लोगों का ट्राइबल मूवमेंट एंड सिक्स नंबर पे है डिवाइड एंड रूल सेवन्थ नंबर पे है आप लोगों का वेस्टर्न कन्टेस्ट ऑफ सेक्युलरिज्म एंड एट्थ नंबर पे है आप लोगों का सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर तो इनके आगे इनका चैप्टर नंबर मैंशन है जहाँ पर कि आप लोगों को इनके आंसर्स मिल जाएंगे ठीक है तो आप लोग इनका स्क्रीन ले लीजिएगा और अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर लीजिएगा तो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो में इतना ही अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट की हेल्प हो पाए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो